छत्तीसगढ़ के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में स्थित कोरिया जिला प्राकृतिक और खनिज संसाधनों से परिपूर्ण ही नहीं वरन कोरिया जिला ऐतिहासिक महत्व के स्थलों के लिए भी ख्याति प्राप्त है। जिले में कई ऐसे ऐतिहासिक महत्व के स्थल हैं जो रामायण महाभारत काल के यादों को संजोए हुए हैं। जानकारी के अनुसार भगवान राम वनवास के दौरान कोरिया जिले में लंबे समय तक समय बिताए थे। वहीं महाभारत काल में पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान भी इस क्षेत्र में समय व्यतीत किया था। जानकारी के अनुसार खड़गवां जनपद क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मंगोड़ा में प्राचीन समय के ऐतिहासिक महत्व के मंदिर के अवशेष पड़े हुए हैं। मंदिर ढह गई है और उसके अवशेष आसपास में बिखरी पड़ी हुई है, जिसे आज तक सहेजने की दिशा में प्रशासनिक पहल नहीं हो पाई है, जबकि क्षेत्र के ग्रामीणों ने आस्था के केंद्र के रूप में स्थल पर पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचते रहते हैं। पंचायत के द्वारा आसपास में ही सांस्कृतिक शेड का निर्माण करा लिया गया है, साथ ही क्षेत्र के श्रद्धालुओं के सहयोग से मंदिर निर्माण कार्य प्रयास जारी है। लेकिन यदि इस ओर प्रशासन का ध्यान आकृष्ट हो जाए तो ऐतिहासिक धरोहर को सहेजा जा सकता है। आपको बता दें कि खड़गवां जनपद पंचायत ग्राम मंगोड़ा में स्थित मंदिर को कोटेश्वर नाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्धि मिली हुई है। स्थल पर कई देवी देवताओं की मूर्तियां दिखाई देती हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण भी यहां पर त्रिशूल गाड़ दिए हैं। विभिन्न अवसरों पर आसपास क्षेत्र के श्रद्धालुओं की भीड़ पूजा अर्चना करने के लिए यहां जुटती रहती हैं। ग्रामीण बताते हैं कि प्राचीन मंदिर कितना पुराना है उन्हें भी नहीं मालूम, लेकिन उनके बड़े बुजुर्गों के अनुसार ये काफ़ी पुराना मंदिर है जो कि अब ढह गया है। इसके अवशेष परिसर में यहाँ वहाँ फैले बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार यहाँ पर दूर दूर से लोग अपनी मन्नत लेकर आते हैं और पूजा करते हैं और उनको सफलता भी मिलती है। इसके अलावा रामनवमी के अवसर पर यहाँ भारी संख्या में दूर दूर से श्रद्धालुगण पहुँचते हैं। के बारे में ये बहुत दिन से हैं, ऐसे आम लोग बोलते हैं तिरता युग से। अच्छा, आप इसकी देखभाल करते हो? ये हैं कुटेश्वर माँ कहते हैं उनको, निरंकाली माँ उसी के कहते हैं। महादेव जी हैं, ये शंकर जी हैं, ये शिव जी हैं, ये नंदी सवार जी हैं, ये डुंडा बिला हैं, रवि देव हैं, सूर्य देव हैं, ये जितना ये नौ ग्रह देव हैं वे पूरा हैं। अभी हम माई तो कितना हैं, इनकी पूजा अभी जो नवरात्रि आने वाली है अभी क्या जवारा लगेगा, मेला लगे क्या लगेगा? मेला तो लगेगा। अच्छा, गांव वाले आए कि मान्यता करेंगे माई के, तब बनेगा काम, इसे तो नहीं बन पाएगा। तो मानेंगे तब ये गांव चल रहा है, ये पूजा करते हैं गांव को, शाम से गत लोग लेकर सब आए के। ये दशहरे में या रामनवमी में दो में मेला लगता है, शिवरात्रि में इसे कभी जी भी शिवरात्रि। और ये जो कुटेश्वर मंदिर है ये अपने ग्राम पंचायत मंगोरा में पड़ता है। यहाँ पे हम तो बचपन से आ जा रहे हैं, यहाँ पे जैसा अवशेष यहाँ सब पत्थर बिखरे हुए हैं और यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं पूजा में, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, रास सड़क नहीं है, बहुत सारा प्रॉब्लम आता है यहाँ पे। तो सरकार से निवेदन है कि थोड़ा इसको संजोएं, सड़क निर्माण कराएं। जो कि मैं ग्राम पंचायत मंगोरा में एक बहुत प्राचीन मंदिर है, कुटेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है इसको, जो कि पुजारी हमेशा इसमें पूजा पाठ करते रहते हैं। शिवरात्रि हो गया है भी, जो दुर्गा पूजा के लिए आ रहे हैं इसमें सब, इसमें बनाना पड़ता है एक, क्या बोलना चाहिए कि इसमें सब श्रद्धालु आते हैं पूजा पाठ करने के लिए, जो कि ये पूरा बिखरा हुआ है। इसको कुछ सरकार के द्वारा इसको कुछ सहायता वहायता देने के लिए, कुछ इसको करने के लिए, बनाने के लिए कुछ होना चाहिए। ग्राम पंचायत देवडांड के एक जागरूक ग्रामीण रामभरन साहू ने कोटेश्वर नाथ मंदिर के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि यह मंदिर 15वीं या 16वीं शताब्दी का है। माना जाता है कि यहां उस दौरान राजाओं ने मंदिर का निर्माण कराया था। चारों ओर से नदियों से घिरे होने के कारण इसे सुरक्षित स्थल माना गया। उन्होंने बताया कि मंदिर स्थल की खुदाई यदि कराया जाए तो और भी अवशेष अभी मिल सकते हैं। उन्होंने बताया कि मंदिर तक पहुंचने के लिए सड़क की सुविधा नहीं है, यदि सड़क की सुविधा शासन द्वारा दे दी जाती है तो श्रद्धालुओं को मंदिर तक पहुंचने में आसानी हो जाएगी।
इस दिशा में सरकार और प्रशासन को ध्यान देकर मंदिर स्थल और क्षेत्र का विकास करने की जरूरत है, जिससे कि अधिक से अधिक श्रद्धालुगण पहुंचकर अपनी मनोकामना पूर्ति कर सके। खड़गवा जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत देवडांड से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम मंगोरा का प्राचीन मंदिर, जिसके अब भग्नावशेष ही बचे हुए हैं, स्थल पर मंदिर की मूर्तियां और पत्थर करीब 100 मीटर के दायरे में बिखरे हुए हैं। इस ऐतिहासिक महत्व के स्थल की मूर्तियों और पत्थरों को सहेज कर सुरक्षित करने की जरूरत है। बिखरे पड़े मंदिरों के अवशेष के पत्थर झाड़ियों में अब दब गए हैं। खास बात यह है कि सभी पत्थरों में आकर्षक नक्काशी की हुई है और कई पत्थरों में देवी देवताओं के आकृति भी उकेरी गई है, जो पुरातत्ववेत्ताओं के लिए शोध का विषय है, जिसके बाद मंदिर के संबंध में और भी नए तथ्यों का खुलासा हो सकेगा। कोटेश्वर नाथ जी का मंदिर है और यह मंदिर जो है 15वीं-16वीं शताब्दी मराठा काल के राजाओं के समय का बनवाया हुआ है और यह मंदिर देवाडाड़ मुख्य रोड से करीबन 2 किलोमीटर दूरी पर है। कोटेश्वरनाथ के मंदिर यहाँ पर बहुत लोगों ने अपना मनोकामना लेकर जाते हैं और मनोकामना उनका पूर्ण होता है। यह कोटेश्वरनाथ का मंदिर उस जमाने में पत्थरों को नक्काशी करके बनाया गया है और यह मंदिर नदियों के चारों तरफ नदियों से घिरा हुआ है। ऐसा लगता है कि उस समय मराठा शासन काल के राजाओं ने इसे बहुत सुरक्षित स्थान समझकर उस जगह पर मंदिर बनाया हुआ था और वहाँ पर ऐसा पत्थरों से प्रतीत होता है कि यहाँ पर मराठा राजाओं का गढ़ी भी रहा होगा और ऐसा लोगों का मत है कि वहाँ पर खुदाई करने से बहुत अच्छे अच्छे मूर्ति या कुछ बहुत से अवशेष मिलेंगे और वहाँ पर जाने के लिए मंदिर में जाने के लिए मेन रोड से रास्ता थोड़ा अच्छा नहीं है। अगर वहाँ रास्ता बन जाए तो लोग बहुत दूर दूर से लोग श्रद्धालु वहाँ आएंगे और मंदिर क्या है टूटा फूटा हुआ है, अगर उसका देखभाल हो मंदिर तक रोड बन जाए या पर्यावरण की दृष्टि से मंदिर जाने की दृष्टि से लोगों की पूजा पाठ की दृष्टि से बहुत अच्छा होगा। आस्था के प्रमुख केंद्र कोटेश्वर नाथ मंदिर स्थल तक पहुंचने के लिए अब तक सड़क सुविधा नहीं मिल सकी है। परेशानियों के बीच होकर श्रद्धालु विभिन्न अवसरों पर मंदिर तक पूजा अर्चना और दर्शन के लिए पहुंचते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीणों ने अब शासन प्रशासन से मांग की है कि मंदिर स्थल तक पहुंचने के लिए सड़क निर्माण करवा दिया जाए। कोरिया जिले में कई ऐतिहासिक महत्व के स्थल हैं जिनकी पहचान दिलाने की दिशा में सरकार को अब कदम उठाने होंगे। साथ ही कई ऐतिहासिक महत्व के धरोहर बिखरे पड़े हैं जिन्हें सहेजने की आवश्यकता है, जिससे कि ऐसे महत्व के स्थलों को नई पहचान मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, देश टीवी।